नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की रॉ में क्या होगा, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कल की रॉ का प्रीव्यू। WHG भाई, सबसे पहली चीज जो हमें कल की रॉ में देखने को मिलेगी वो मिलेगा WWE सुपरस्टार शेकअप का पहला चरण। यहाँ दोस्तों सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स बैकस्टेज होंगे रॉ के अंदर, और वहां से रॉ वाले चूज करेंगे कि कौन सा सुपरस्टार स्मैकडाउन से उठाया जाएगा। अब दोस्तों इस चरण में देखने वाली बात ये होगी कि स्मैकडाउन का कौन सा सुपरस्टार ऐसा होता है जो कि रॉ के अंदर आता है। और आप जानते हैं कि ड्राफ्ट कैसे वर्क करता है, ये पूरी की पूरी रॉ में बीच बीच में चलता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, प्रेडिक्शन वीडियो बनाई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, आप सारा सारा मैटर समझ जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरी चीज के ऊपर जो कि हमें इस बारी की रॉ में देखने को मिलेगी। ये एक मैच है, एक टैग टीम मैच, और ये होगा मैट हार्डी और ब्रे वाइट की टीम वर्सेस द रिवाइवल के बीच में। ये एक क्वालिफाई मैच है दोस्तों, जिसमें जीतने वाला जो टीम होगा वो जाएगा एक मैच में जो होगा 50 मैन रॉयल रंबल में, जो फाइट करेगा द बार के खिलाफ। यहाँ दोस्तों एक क्वालिफाइंग मैच है और देखने वाली बात ये होती है कि कौन सी टीम इनमें से जीतती है और फाइट करती है द बार से इन द पेपर व्यू ऑफ 50 मैन रॉयल रंबल इन सऊदी अरेबिया। लेकिन अब हम चलते तीसरी चीज के ऊपर जो कि हमें देखने को मिलेगी इस बार की रॉ में। ये भी एक मैच है दोस्तों, और ये है बेली वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। तो आपने देखा कि इनके बीच में अब डिफरेंस होने चालू हो चुके हैं, फूट पड़ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होती है जो इनके बीच में मैच रखा गया है इससे इनके बीच की दरार और चौड़ी होती है या फिर से फ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि हमें कल की रॉ में देखने को मिलेगी, और यह है दोस्तों रोंडा राउजी का क्या होगा। तो आपने देखा कि रोंडा राउजी ने घायल स्टेपनी मिकमैन के ऊपर फिर से हमला बोल दिया, उन्हें फिर से अपने आमबार में फंसाया। और आप जानते हैं कि स्टेपनी मिकमैन कौन है, वो रॉ की कमिश्नर है। हालांकि वो बैकस्टेज रॉ के लिए काम करती है, लेकिन वो कमिश्नर तो है ही दोस्तों। अब उनको इसके लिए क्या परिणाम झेलना पड़ता है ये भी देखने वाली चीज होगी। लेकिन अब हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर, और अगली चीज है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बॉबी लैशली, हुज नेक्स्ट फॉर बॉबी लैशली। अब बॉबी लैशली ने दोस्तों WWE में साफ कर दिया है कि वो अपना अनफिनिश्ड बिजनेस खत्म करने आए हैं। तो क्या है ये अनफिनिश्ड बिजनेस, ये हमें पता चलेगा। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ बॉबी लैशली फिर किसी की तुड़ाई करेंगे, कोई ना कोई रेसलर पिटेगा दोस्तों। अब वो रेसलर क्या फिर से एलायस होंगे या फिर कोई और, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन अब हम चलते दोस्तों लास्ट चीज के ऊपर जो कि हमें कल की रॉ में देखने को मिलेगी, और ये है दोस्तों रोमन रेंस और समोआ जो की झड़प। तो आपने देखा कि कैसे रोमन रेंस आते हैं रॉ के अंदर और अपनी बातों को रखते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हुआ रेसलमेनिया के अंदर उनके और ब्रॉक लेसनर के बीच में। लेकिन तभी आ जाते हैं समोआ जो, और वो उनकी वहां करने लग जाते हैं बेस्टी स्टार्ट। उन्हें कहते हैं कि रोमन रेंस तुम एक फेलियर हो, और ना जाने क्या कुछ भला बुरा कहते हैं रोमन रेंस को। इसके चलते दोस्तों रोमन रेंस काफी परेशान दिखते हैं, और इस बारी की रॉ में माना जा रहा है कि रोमन रेंस अटैक कर सकते हैं समोआ जो के ऊपर, और हो सकती है इनके बीच में एक झड़प। और देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि यहां जो समोआ जो ने बेइज्जती की रोमन रेंस की, इसका बदला रोमन रेंस उनसे ले पाते हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में यह पूछना चाहूंगा कि रोमन रेंस यहां समोआ जो से अपना बदला ले पाएंगे कि नहीं, या फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा और समोआ जो उनकी उल्टी पिटाई कर देंगे। तो अपना अपना कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।